टू माई स्वीट किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर पकौड़ा की रेसिपी। बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट पनीर पकौड़े बनाएंगे आज हम, अंदर से एकदम नरम और बाहर से क्रिस्पी। अचानक से आपके घर पे मेहमान आ जाए तो आप फटाफट बनाकर स्टार्टर में दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी रेसिपी के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है, वो डाल देंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, एक चम्मच वो भी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी भी हाथों से क्रश करके डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ बैटर रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटर रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और उसको बड़े पीस में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से पनीर के बड़े या छोटे पीसेस कर सकते हैं। एक पनीर लेंगे, उसको बीच में से कट कर लेंगे और उसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। सारे पनीर में हम चाट मसाला डाल देंगे। और यहाँ पे ये रेडी हो चुका है और अभी हम इसको फ्राई करेंगे। बैटर ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई करेंगे और पनीर को बैटर में डिप करेंगे और डालते जाएंगे। थोड़े थोड़े करके पनीर डालते जाइए। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और पनीर को फ्राई कर लेंगे। एक बार पलट देंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे पहला बैच रेडी हो चुका है। और अभी हम दूसरे पनीर डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और पनीर डालते जाएंगे। पलट देंगे और फ्राई करते जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है, उसको भी बाहर निकालेंगे। और आप देख सकते हैं सारे पनीर यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं। एक पकौड़ा लेंगे और उसको तोड़ेंगे। वाव, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप एक बार ज़रूर से बनाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको क्लिक भी कर दीजिए। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।